नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक टूर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और देख लेते हैं इस वीडियो में एक और समझ लेते हैं एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वह है व्हाट इज कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली अभी जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की, हमने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे आंसर रहेंगे, डेफिनेशन मान लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जनरली नॉलेज के लिए जरूरी है और आपको कहीं भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर अक्सर ये पूछा जा सकता है, और नहीं पूछा तब भी आपको बेसिक नॉलेज काफ़ी जरूरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की, हम समझेंगे छोटे डेफिनेशन आपको इस वीडियो माध्यम से, इन सीरीज के माध्यम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में समझ रहे हैं व्हाट इज कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि कैपेसिटर क्या होता है, किसे बोलते हैं और क्या यह काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहां पर इसका आंसर लिखा हमने कि एक कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कैपेसिटर जो होता है एक प्रकार का टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है, जो कि इसमें क्या लिखा, दैट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कहने का मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, एक प्रकार का टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें क्या दो पैरेलल प्लेट्स रहती हैं जिसको अंदर डाइलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट रहता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के इसको बनाया जाता है। पहले समझ लेते फिर देखते हैं। इसके बाद इसमें लिखा इट इज मेजर्ड इन द फेरड, मतलब इसकी यूनिट जो है फेरड होती है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। साथ में इट इज मेड अप ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, टू मेटालिक प्लेट को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो कि पैरेलल में लगाया जाता है। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर सेपरेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, द स्टोर चार्ज कैन बी मेजर्ड बाय द इक्वेशन क्यू इक्वल टू सी वी, वेयर क्यू क्या है चार्ज, सी क्या है कैपेसिटेंस और वी क्या है वोल्टेज, स्टोर वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका एक छोटा सा मैंने डायग्राम बताने का प्रयास किया। यहाँ पे देखो दो प्लेट्स हैं, ये दोनों पैरेलल प्लेट होंगे, इनको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, पैरेलल प्लेट बोल सकते हैं। इन दोनों को बीच में सेपरेट करने के लिए एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भरा जाता है, एक इंसुलेट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब सप्लाई दी जाती है, दोनों कनेक्टेड कर देते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेता है और इसके बाद जहाँ पे यूज होती है उसको देता रहता है। ऐसा नहीं बैटरी बैंक की तरह यूज करेगा, बैटरी बैंक कुछ क्षणिक यूज कर लेता है, मतलब कि फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। तो इस कारण इसको हम बोलते हैं क्या कि कैपेसिटर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन से आपको सिर्फ इतना बताना है, जब पूछे आपको भाई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, एक प्रकार का टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट्स है, दैट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब कि पोटेंशियल मतलब एक प्रकार की एनर्जी स्टोरेज करता है, थोड़ा सा ये पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है क्षणिक के लिए। ठीक है, जब आपने देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट रहते हैं उनमें हम कैपेसिटर लगा देते हैं, कभी टेस्टिंग करते हैं, उसको निकालने के बाद यदि दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग क्यों होती है या चट से आवाज़ क्यों आती है, उसका कारण ये रहता है उसमें कुछ एनर्जी स्टोरेज रहती है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर चार्ज रहता है। अब ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ कर सकते हैं और डीसी के कैपेसिटर को डीसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कैपेसिटर का यूज़ एसी और डीसी में किस तरीके से करते हैं, इसके नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक बनाएंगे। फिलहाल में ये हमारा मतलब था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होती है, इसकी जो कि इलेक्ट्रोड्स काम करती है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल भरा होता है जो कि दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, जो कि एनर्जी स्टोरेज के काम में आता है। ठीक है, इसकी यूनिट फेरड है। ठीक है, एफ से इसको डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा म्यू एफ लिखा रहता है, म्यू एफ मतलब माइक्रो फेरड। ठीक है, जनरली फेरड में इसकी यूनिट इसकी होती है।